दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे सामने जो खड़ी है हिमालयन, ये 2021 मॉडल है और फुली लोडेड हिमालयन की बात करेंगे कि जिसमें आपका पूरा टूरिंग वाला सेटअप लग रखता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी इसके लिए और कितना खर्चा बैठता है, आज पूरी बात करेंगे और इसके ओनर से भी एक्सपीरियंस लेंगे इसका कैसी है ये और चलने में कैसी है। और ये अगर मैं बात करूँ चल कितनी चुकी है, तो ये 15,000 चल चुकी है, आप देख सकते हैं मीटर में। तो इसकी बात करेंगे हम इसके ओनर से और इसका मैं आपको वर्थ बताऊंगा कितने की है और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का 2 साल की जर्नी में इसके लिए, और अभी और इसमें क्या चेंजेस आए हैं जो नई आ रही हैं उसके भी बात करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ये लाइट प्रोटेक्टर किट है जो हमारी है जाना की, ये 1500-1600 के राउंड बढ़ती है। मान लो आप ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक्स पे जाते हो तो ये लाइट को प्रोटेक्ट करती है स्टोन वगैरह। अगर हम बात करें इसकी ये तो ये फॉग लाइट्स है हमारी प्रोजेक्टर बेस्ड जो की है HJG कंपनी की। तो ये हमारे पास फुल सेटअप आता है पूरा, ये माउंट के साथ आती है दोनों लाइटें और इनके साथ इनका बटन भी HJG का आता है, वो यहाँ आप देख लो। और ये हमारा कॉस्ट करता है 8,000 के करीब करता पूरा सेटअप माउंट होने के बाद। बात करें इसके मोड्स की तो इसमें आपको दो मिल जाते हैं, एक तो व्हाइट लाइट मिल जाएगी, ये पहले येलो मिल जाएगी एक तो, और इसके साथ आपको मिल जाएगी व्हाइट लाइट। और हम मोड्स की बात करें तो मोड्स आपको इसमें ब्लिंकिंग वगैरह के भी मिल जाते हैं जो कि हमारे हाईवे पे कई बार, हाईवे पे तो नहीं मतलब ऑफ रोड ट्रैक पे कई बार काम आ जाते हैं बस। तो आगे की और बात करें तो ये लगा हुआ हमारा GPS माउंट जो कि होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का, ये 1500-1600 के राउंड पड़ता है हमें। ये हमारे पे विंड चीटर लगा हुआ है, इसको अभी हमने उतार रखा है, इसके ऊपर अटैचमेंट होती है जो यहाँ लग जाती है विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए। उसके बाद हम बात करें ये हमारे लगा रखा है हमने बोबो का फोन माउंट जो कि फुली वाटर प्रूफ है और वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये हमारे को पड़ता है 4,000 के अराउंड पड़ता है हमें। वही अगली बात करें जो सबसे ज़्यादा हिमालयन वाले बंदों को दिक्कत आती है, वो ये कॉनसेट कैन जो होता है हमारा वो खराब हो जाता है। तो ये उसकी कैप है ऑटो मोटरसाइकिल की, ये 600-700 रुपए की आती है, ये मिल जाती है बड़े इजीली। इससे क्या है हमारा कॉनसेट कैन बचा रहता है, जो सबसे ज़्यादा हिमालयन वालों को प्रॉब्लम आती है जो खराब होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगा रखा है। तो वही अगली बात करें तो ये हमारे लगे हैं जेरीसेट कैन जो कि हमारे पेट्रोल के लिए और पानी भी अगर कैरी करना हो कैंपिंग के प्रोस्पेक्टिव से तो वो भी कैरी कर सकते हैं। तो ये लगे हैं हमारे, ये लॉक वाले हैं हमारे पास, इसके बाद में बिना लॉक वाले भी आते हैं। तो ये लॉक वाले विद हमारे पास माउंट 8,000 के हमें पड़ते हैं, ये भी बढ़िया चीज़ है मतलब कैंपिंग अगर करनी हो आपने या दूर जाना हो लद्दाख वगैरह तो तेल कैरी करने के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है। तो वही अगली बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रॉयल एनफील्ड वाले बंदों को प्रॉब्लम है अभी तक की बाइकों से वो होती है मिरर्स की। तो इसमें लगे हैं हमारे KTM के मिरर्स जिसमें पेंच अपने आप ही अंदर होता है जो कभी ढीले होने का कोई शंका ही नहीं रहती। ये हमारे 500 रुपये के दोनों सेट आ जाता है इसमें, जैसे वो खड़ी मेरी क्लासिक, इसके मिरर भी गोल वाले हैं जो कंपनी से आते हैं। इसमें सबको ही पता है कि वाइब्रेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हमारे को इन मिरर में बिल्कुल नहीं आती जो हमने KTM के इसमें लगा रखे हैं। भाई अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल में उतना कुछ बताने को है नहीं, लेकिन ये सीट कवर के बारे में आपको बता दूं, ये है सारा के सीट कवर जो कि मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं। ये अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो स्वेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ क्लासिक की, ये मैंने लोकल मार्केट वाले इस पे सीट कवर चढ़वा लिए थे, तो इसमें ना लॉन्ग ड्राइव में स्वेट की बड़ी दिक्कत हो जाती है और थोड़ी ना स्टिफ कर देते हैं वो, ये स्टिफ नहीं करते सीट को, इससे स्टिफ कुशन ही है, जैसे ओरिजिनल आती है बढ़िया वैसे रहती है। तो वही अगर हम बात करें पैनियर्स की तो ये हमारे रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल पैनियर्स हैं जो विद स्टैंड हमारे पास, मतलब जो इसका स्टैंड है वो भी रॉयल एनफील्ड के थ्रू मिलता है हमें। ये हमारे को मिलते हैं कम से कम 28,000-29,000 के, और उसके साथ 3,000-4,000 का हमारा स्टैंड होता है। और ये आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छे सामान, मतलब कैंपिंग के लिए अगर जा रहे हो तो 3-4 दिन के कपड़े एक में और काफ़ी सामान कैंपिंग का भी इसमें आप लोड करके ले जा सकते हो बड़े ईजीली। करें इसके फीचर की तो ये होते हैं हमारे वाटर प्रूफ पूरे, और ये एल्यूमिनियम के होते हैं, और ये हमारे पास इसका लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लॉक करके सेफली इसको लॉक छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कैरी करने पड़ेंगे निकाल के, ये बिल्कुल लॉक हो जाते हैं प्रॉपर और चाबी से ही खुलेंगे फिर वैसे निकलते हैं। तो अगर हम बात करें इसके ये फ्रंट मीटर्स की तो इधर में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर जहाँ पे इधर आप सारी रीडिंग्स वगैरह देख सकते हो, टाइमिंग वगैरह हल्की फुल्की दिख जाती है, और यहाँ पे आपको फ्यूल दिख जाएगा, और इधर आपको दिखेगा गियर्स का क्या आपका कौन सा गियर है, न्यूट्रल है या क्या है। यहाँ पे सारी इंडिकेटर की, बैटरी की और ये सब, और ये आपको मिल जाता है RPM वाला, और इधर मिल जाता है आपको GPS और टाइमिंग यहाँ दिखती है, लेकिन ये नई हिमालयन से हटा दिया गया है, यहाँ पे आपको प्लेन पत्ती मिलेगी वो इसमें नहीं दिखने को मिलता। तो भाई अगर बात करें हम इसके माइलेज की तो ये किसी भी टाइप का रोड हो आपको 30+ तो एटलीस्ट देगी, मतलब 30-32+ आपको माइलेज इसका इजीली मिल जाता है, बल्कि इसमें हैवी मतलब मॉडिफिकेशन होने के बाद भी ये 30+ इजीली निकाल देती है। तो दोस्तों बाइक के बारे तो हमने बाकी पूरी बात कर ली, अब मैं आपकी बात करा देता हूँ इसके ओनर से, जिसे ये चलाते हुए 2 साल हो गए हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ वो जान लेते हैं।
जैसे मैंने सबसे जो अपनी लॉन्गेस्ट राइड करी है वो अपना स्पीति करी है, और मैंने उसमें 6 दिन इसको राइड करा है, और मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा थी बाइक, और कोई भी पार्ट मैंने इसमें चेंज नहीं करा है 2 साल में। और जैसे हम अपना यूट्यूब पे देखते हैं कि इसमें बहुत कमी है, रॉयल फील्ड में बहुत कमी है, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं है अभी तक। तो भाई बस यही बात है कि हम अपने आप मेंटेन रखें अपनी बाइक्स को तो कहीं नहीं जाती हैं, बढ़िया से चलती हैं। वो जो चीज़ ख़राब होनी है वो तो कभी ना कभी हो ही जाएगी, लेकिन जगह ढंग से हम इसकी मेंटेनेंस रखेंगे तो ऐसे जो चीज़ जितनी चलनी है उतनी तो ज़रूर चलेगी। तो जैसे ही मैंने अपनी बाइक की भी ये खड़ी है हमारी क्लासिक 350, इसकी भी मैंने मेंटेनेंस टिप डाली है और कुछ गलतियाँ एक वीडियो डाल रखी है जिसमें कुछ गलतियाँ होती है वो इग्नोर करनी है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।